बार भी आई थी आप पहले काम्या, लेकिन अब दोबारा से आई है और प्री मैरिज कहीं ना कहीं वो एक ग्लो चाहिए होता है हमेशा वेडिंग से पहले कपल्स को, और इस बार आप शलभ को भी साथ में लेकर आएंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि दोबारा आई हूँ, मेरे घर से बहुत दूर है ये, लेकिन मैंने पहले से सोच के रखा था कि 26 जनवरी छुट्टी होती है तो मैं यहीं आऊँगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी मैं इतनी ज़्यादा खुश होकर गई थी यहाँ से कि मुझे लगा कि आप जब भी छुट्टी मिलती, क्योंकि मेरा इतना हेक्टिक चल रहा है स्केड्यूल, और ये भी दिल्ली में है, यहाँ पर नहीं है बॉम्बे में, तो आना इतना आसान नहीं होता है। तो पिछली बार जब मैं आई थी तो बहुत खुश होकर गई थी, और फ़ोन पर इन्होंने भी रिज़ल्ट देखा था, तो मैंने कहा था आप आइए, हम दोबारा जाएंगे 26 जनवरी को क्योंकि छुट्टी है, एंड जो शादी के पहले जो करना है, क्योंकि हम दोनों भी ऐसे हैं जो फेस पे ज़्यादा चीज़ें नहीं करते, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती अपने फेस को लेकर। तो जब मैं यहाँ आई थी तब मैं थोड़ी डरी भी थी कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि रिएक्शंस ये वो इतने एलर्जी से, पता नहीं कुछ कुछ अचानक से कुछ आ जाता है, और ये चांस मैं ले नहीं सकती, शादी अभी तो 15 दिन में है। तो बट आई एम सो हैप्पी, रिजल्ट बहुत ही अच्छा था उस दिन और आज भी है, उसका असर, मैंने अभी कोई मेकअप नहीं लगाया है, तो मैं चाहती हूँ कि शलभ भी उसका लुफ्त ले और इसके मज़े उठाए, और शादी के पहले जो ग्लो होना चाहिए वो आए। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे, आप कितना प्रिपेयर है इस पैम्पर सेशन के लिए? सो मैंने कभी इस तरह का पैम्पर सेशन नहीं किया, बट जब कमें आई थी लास्ट टाइम यहाँ पे, तो मैं ये कहूँगा कि आई कुड सी द स्किन टॉकिंग, एंड दैट्स द रीज़न आई थॉट आई विल आल्सो एक्सप्लोर, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। अच्छा डॉक्टर, आप कुछ कहना चाहेंगे, कितना आपके लिए स्ट्रेसफुल वर्क होता है जब एक बार कोई आए और दोबारा से वो उसी ट्रीटमेंट की स्पेशलिटी को, कुछ कहना चाहेंगे? स्ट्रेसफुल तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज हम एवरी डे ये ट्रीटमेंट्स करते हैं और नए ट्रेंड्स हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है इनको एडॉप्ट करने के लिए, बताने के लिए और समझाने के लिए। जैसे काम्या तो बहुत अच्छी दोस्त हैं, पहले एज अ दोस्ती वो यहाँ आई है और उन्होंने ट्राई किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्किन को मुझे दिया है, ट्रस्ट किया है मेरे ऊपर। सो जब